डोडा डिस्ट्रिक्ट से 7, आपको बता दें, बच्चों ने जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर किया। और अभी हमारे साथ इस समय आबिद लतीफ़ जी हैं बातचीत करने के लिए। आपको बता दूं ये भी डोडा डिस्ट्रिक्ट से हैं, माला तहसील से जो है वो ते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि सबसे पहले सर मैं आपको और मुबारक देना चाहूँगा आपको, और जानना चाहूँगा आपसे कि आखिरकार बहुत सारे लोगों का जो है वो सपना होता है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो है उसे एग्ज़ाम को क्लियर करना, लेकिन कई साल लग जाते हैं, बहुत सारे लोगों को जो है उसके घर वाले सपोर्ट नहीं करते क्योंकि काफ़ी समय जो है वो इसमें लगता है। तो आप मुझे अपना जो है वो शुरुआती तौर बताएं कि किस तरह से आपने जो है वो शुरुआती तौर जो है शुरुआत किया। जी शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो काफ़ी देर से मैं इसके लिए प्रिपेयर भी कर रहा था और मेरा सेकेंड अटैम्प्ट भी था ये, तो काफ़ी खुशी हुई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके। जिस वक्त रिज़ल्ट पता चला तो एक अनरियल सा फील होता उस टाइम, क्योंकि इंसान काफ़ी देर से प्रिपेयर कर रहा होता है। तो प्लस जैसे आपने पेरेंट्स की बात की, तो इस मामले में मैं काफ़ी लकी कहूँगा खुद हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। क्योंकि इससे पहले मैं फेलियर्स देख चुका हूँ, लेकिन उस फेलियर में अगर मैं जो है वो डिजेक्टेड फील करता था, तो मेरे फादर या मेरी मदर, मेरे भाई बहन, बाकी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स तो काफ़ी हद तक एनकरेज करते थे मुझे। और मेरे फादर स्पेशली वो ख़ुद भी मतलब ऑफिसर पोस्ट पर रह चुके हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो मे बी उनको ये नुआंसेस जो हैं वो ऑलरेडी उनके जहन में थे कि फेलियर से कोप जो है वो किस तरह किया जाता। तो उन्होंने काफ़ी एनकरेज किया, इस मामले में काफ़ी लकी रहा, तो हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। और अभी जब मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो इसका सहरा जो है वो उन्हीं के सर जाता है, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। बाकी अपनी मेहनत भी थोड़ी बहुत होती है, लक भी होता है, किस्मत का भी इसमें फैक्टर रहता है। तो क्वालिफिकेशन आपकी कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से आपने एजुकेशन जो है वो ली? जी बेसिक स्कूलिंग मैंने 12th तक जो है वो शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा से किया है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो है वो MAM कॉलेज से मैंने किया 2016 में। और साथ ही जो है वो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जो है आगे जो है सिविल सर्विसेज परस्यू करना है, तो इसी के चलते जो है वो मैं दिल्ली चला गया और मैंने कोचिंग जो है दिल्ली से ली। और साथ ही जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी प्रोग्राम है, उसमें मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया और मैं 2-3 साल वहाँ पर भी रहा। तो इस सब से जो है वो हेल्प हुई काफ़ी सारी मेरी इस प्रोसेस में, जो मतलब अभी मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो इस सब का जो है वो यही मेरी जर्नी है अभी तक की। इतने समय के बाद जो है, इतना सब करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद ये कामयाबी हासिल होना, किस तरह का भी आपको लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आप? जी पहले भी मैं कह चुका हूँ कि एक तो अनरियल फीलिंग काफ़ी होता है, क्योंकि इससे पहले फेलियर जब फेस किया तो वो एक चीज़ भी जहन पे होती है, डर भी होता है। तो प्लस अब मेहनत है, मेहनत के बाद अगर कोई चीज़ मिले तो डेफिनेटली इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उससे। तो सेम जो है वो मेरा भी रिएक्शन रहा इस जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया और जब मेरा नाम लिस्ट में था, तो काफ़ी जो है वो खुशी महसूस हुई मुझे इस चीज़ से। कभी कभी भी इंसान को फेलियर का सामना करने के बाद या फेल होने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि अब बस हो गया, अब आगे हम नहीं बढ़ सकते, है ना? क्या लगता है आपको, क्या कुछ उस समय, क्योंकि आपने कहा कि आपने उस चीज़ का सामना भी किया, तो जब आपने सामना किया तो क्या लगता है आपको, उसके बाद आप किस तरह से खड़े हुए, फिर से आपने स्टार्टअप जो है? जी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई ड्रीम देखते हैं तो फिर आपको उसके टुवर्ड्स जो है वो ऑनेस्ट रहना होता है। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं तो ही आप जो है वो फेलियर से कोप नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप ऑनेस्ट हैं और आप उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है लोग बाकी लोग मेरे से डिसएग्री करें इस बात पे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमारे हाथ में जो है वो सक्सेस और फेलियर नहीं होती, हमारे हाथ में मेहनत करना होता है। तो अगर आप मेहनत जो है वो ऑनेस्टी से कर रहे हैं, डेडिकेशन से कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी बार हमारे अकॉर्डिंग, हमारे विशेज़ के अकॉर्डिंग नहीं आता, लेकिन अगर आपकी मेहनत जो है वो ऑनेस्ट है तो काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प करती है, इनक्रेज करती है, वापस आप जो है वो उस ट्रैक पे आपको लेके आए और आप दोबारा से उस प्रोसेस का जो है वो पार्ट बने और फिर से इस चीज़ को ट्राई करें। तो सिमिलर जो है वो मेरा भी स्टोरी है कि पहले 1-2 बार नहीं हुआ, UPSC का भी मैंने अटैम्प्ट किया, वो भी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो उस टाइम पे इंसान को लगता है कि शायद मुझ में कुछ कमियां हैं, और इंसान उन कमियों को एनालाइज भी करता है, और एनालिसिस करने के बाद जो है वो फाइनली फिर अल्टीमेटली जब आप ऑनेस्टी से वापस से प्रिपेयर करें, अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें, तो अल्टीमेटली जो है वो सक्सेस आपको मिल जाती है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से डोडा से आप हैं, अगर
मान के चलिए डोडा के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है, तो डोडा के लिए क्या बदलाव करना चाहते हैं और क्या आपको लगता है कि डोडा के अंदर जो है वो कमियां हैं? जी अभी तो मतलब वो उसके लिए ग्राउंड सिचुएशन पे हम देखेंगे, अगर पोस्टिंग जो है वो डोडा में होती है तो वहाँ जाके ग्राउंड लेवल पे जाके हम देखेंगे कि किस चीज़ की ज़रूरत है और हम कोशिश करेंगे। एक तो चलो अपना घर भी डोडा का है तो एक अलग जो है टच होता है अपने मदरलैंड के साथ, या इंसान जहाँ का होता है, वैसे तो पूरा देश ही अपना है, पूरी स्टेट अपनी है, बट जहाँ इंसान पैदा होता है वहाँ के साथ थोड़ा सा इंसान को एक एक्स्ट्रा वहाँ ज़्यादा इंसान कनेक्टेड होता है। तो कोशिश करेंगे कि 100% ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करें, जो भी कमियाँ दिखेंगी, जहाँ भी हमें लगेगा कि हमारी ज़रूरत है या हम कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसमें हम पूरा पूरा अपना एफर्ट लगाएंगे। फिर से एक बार पूरे डोडा की तरफ से, TLR की तरफ से आपको मुबारकबाद। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके थैंक यू। तो हमारे साथ इस समय आप आबिद लतीफ़ जी बात करने के लिए थे, ये भी डोडा डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपको बता दूं महाला तहसील से हैं, और इन्होंने जो है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो है वो एग्ज़ाम क्लेरिफाई किया, और इसके बाद जो है आप देख रहे होंगे किस तरह से जो है वो लगातार डोडा डिस्ट्रिक्ट के बारे में जब कहा जाता था कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है काफ़ी कमियां हमें देखने को मिलती हैं, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हमें एजुकेशन जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन इन जैसे शख्सों ने जो है वो दिखा दिया है कि मेहनत अपने हाथ में और खुद मेहनत करके आप जो है वो अपनी कामयाबी पा सकते हैं। और ख़ास करके एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि फेलियर का जो है वो सामना किया और उसके बाद फिर से एक बार खड़े हुए बड़े, लेकिन आप सब लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन जो है वो सामने आती है तो आप उसका मुकाबला करें, लड़ें, क्योंकि फेल का जो है वो फुल फॉर्म यही है, फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग, तो उसे आप जो है उससे लर्न करें, सीखें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए, और आप देखते रहें TLR। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।